உயிரினம் ஒன்றை அந்த இன்னும் என்ன பேசி என்ன மாட்டாங்க மெர்சு சுங்கதக்க நான் லோமந்தின கேட மைக்கரோன் சக்கனங்க உன்ன மித்தார் ரோபின நான் பக்சங்கை கவல லோமத்தாக்கின ஒன்றை தலமினா ஒயோ மேலிக்கி Bulre, oye, o Samuel Samuel. Nama kiki rau, ena bem ataca. Bonita kina bagarumbuka. Ni boi tiri kali mana mini di meono kina tiri na kaloko. Ena radio Fiji One nando boi biti. Ina pina na mataka dan ramai na singa bo. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनीमरामा मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर रजनी चंद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर चंद नेशनल फेडरेशन पार्टी लीडर प्रोफेसर बीमान प्रसाद की पत्नी हैं और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के डायरेक्टर फ्लेक्सिबल लर्निंग के पद पर नियुक्त किया गया था। बेनीमरामा का दावा है कि डॉक्टर चंद की अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज के खिलाफ है, जबकि पोजिशन को इंटरनेशनली एडवर्टाइज नहीं किया गया था। बेनीमरामा ने कहा है कि डॉक्टर चंद की अपॉइंटमेंट भ्रष्टाचार से संबंधित एक केस है और प्रोफेसर बीमान इसे अवॉइड कर रहे हैं। एनएफपी लीडर ने कल कहा था कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है और उसे मेरिट पर चुना गया है। 9 साल से भी कम उम्र के बच्चे अब अपने माता पिताओं के पैसे चुराते हैं ताकि वे अल्कोहल और ड्रग्स खरीद सके। एम्पावर पैसिफिक प्रोफेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रदान करते हैं और उन्होंने देखा है कि ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। कई माता पिता मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट प्रेम लता का कहना है कि ये नया ट्रेंड है। माता पिताओं से मांग की गई है कि वे जिम्मेदार रहें। नसीनो टाउन काउंसिल गार्बेज कलेक्शन सर्विस घाटे में चल रही है, जबकि कलेक्शन फी बहुत कम है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर प्रेमिला कुमार का कहना है कि काउंसिल को सिर्फ 45 सेंट्स मिलता है। एवरेज तौर पर नसीनो रेसिडेंट्स 20,000 टन से भी ज्यादा सॉलिड वेस्ट एक साल में जनरेट करते हैं, जिसे डिस्पोज करने में $2.4 मिलियन लगता है। मिनिस्ट्री ने पायलट प्रोजेक्ट किया है ताकि वे वेस्ट मैनेजमेंट को सुधार सके। नसीनो टाउन काउंसिल के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर भास्करन नायर का कहना है कि वे वेस्ट रिसाइक्लर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। और खेलकूद के खबरों में फिजी रग्बी लोकल सेवन्स टूर्नामेंट्स के दौरान डिसिप्लिन को एड्रेस करना चाहती है। सुपर सेवन सीरीज के पहले लेग में रेड कार्ड दिए जाने के बाद यूनियन ने कोचेस के लिए वर्कशॉप की आयोजना की थी। एफआरयू के चीफ एग्जीक्यूटिव जोनो कोना का कहना है कि उन्होंने फर्स्ट लेग के स्टेट्स और टैकल्स को एनालाइज किया है। ओकोना का कहना है कि वे नेशनल कोच गैरेथ वेवर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि देश में रग्बी के लेवल को और सुधारा जा सके। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश, आपके हम सफर। शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर।